subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम 3DM Max में एम्बिएंट एक्लूजन रेंडर सेटिंग कैसे करें। तो चलिए आज हम देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से मैं एक बॉक्स लेता हूँ। ओके, मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। तो अब इसको हम इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे एडिटेबल पॉली, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको हम लेंगे थोड़ा पॉलीगन्स, जैसे पॉलीगन पाइए करेंगे हम इंस्टेंस। इसके बाद देन एक्सट्रूड, ये मैंने इसलिए कराया कि हम एक्लूजन सेटिंग करके हम जब इसका रेंडर चेक करेंगे तो इससे हमें पता लगेगा कि हमें डेप्थ वगैरह पता लग सके, इसलिए मैंने बॉक्स को ऐसे शेप दिया। तो ये हो चुका है। अब इसको मैं और आपको मैंने पहली वीडियो में ही दिखा दिया कि रेंडर सेटिंग कैसे करनी है। तो मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट पहले से ही रेमी रेंडर सेटिंग हो रखी है। तो पहले आप उस वीडियो को देख के अपनी रेंडर सेटिंग कर लेना। तो अब हम जाते हैं मटेरियल में, यहाँ से हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड में जाएंगे, स्टैंडर्ड में जाके VA लाइट मटेरियल लेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ से हम मैप, नो मैप में जाके आप देखिएगा यहाँ पे VRay में जाके VRay ड्रिप्ट के कुछ आ रहा होगा, सेलेक्ट VRay ड्रिप्ट और इसको यूज हम देंगे 40 एंड ओके। अभी इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इसके ऊपर सेलेक्ट करके बॉक्स को, ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें रेंडर सेटिंग में जाना है, प्रेस F10। ये आपकी रेंडर सेटिंग खुल गई। तो मेरी, मैंने पहले ही अपनी सेटिंग वीडियो की कर चुका हूँ, तो आप मेरी पहली वीडियो में से देख लेना रेंडर सेटिंग कैसे करनी है। तो हमें जाना है अब ग्लोबल में जाके, ग्लोबल स्विच, इसको आप ओके और ये जो हमारा नन है आप इसको यहाँ से सीधा ड्रैग करके लाइए, इसके ऊपर इंस्टांस कर देना, इससे हमारा जो वहाँ पे सेम है वहीं पे हो जाएगा। देन ओके, ये आपका हो गया है। क्लोज करने के बाद आपको टॉप व्यू में जाना है एंड यहाँ से लेना है एक VRay प्लेन, स्टैंडर्ड की जगह आप यहाँ से VRay लीजिए, यहाँ से VRay प्लेनर ले लीजिए। देन क्लिक, यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए जो हमें हल्की शेडो भी दिखाई दे। और आप चाहें तो आप VRay में मटेरियल में जो हमने प्लेन लगाया उसमें आप ग्रे स्केल डाल सकते हैं। मैंने इसको ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब इसमें हम लाइट लगाएंगे, VRay लाइट लगाते हैं। तो लाइटिंग में जाइए, सेलेक्ट, यहाँ पे मैंने VRay ले रखा है, VRay लाइट में जाके आप प्लेनर की जगह डोम ले लीजिए, टॉप व्यू में जाइए, देन इसे कहीं भी साइड में क्लिक कर दीजिए और इसकी सेटिंग में जाइए, इसकी 40 कर दीजिए यहाँ से और नीचे आइए तो डबल शेडेड इनेबल, ठीक है, क्लोज। अब वापस व्यू में आइए,
उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेस 8 से वीरे एक्सपोजर हटा के नॉन एक्सपोजर कर देंगे। तो रेंडर करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे और ये देखिए हमारा एक्लूजर रेंडर होने लगा। के रेंडर हो चुका है, क्लियरली साफ दिख रहा है एक्लूजर रेंडर। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।